मेरी प्रस्तुत कविता है प्रेम के ऊपर है। प्रेम एक ऐसा विषय है जिसकी अनुभूति से हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरता है। तो प्रस्तुत है प्रेम कविता है। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मौन भाषा प्रेम की। निष्कपट निष्पाप प्रेम की परिभाषा तुम बता गए, जाने अनजाने द्वार पर मन के तुम कब आ गए। पहली बार भी अजनबी तुम कभी नहीं मालूम हुए, सदियों से जो निभा रहे थे रिश्ते सम्मुख आ गए। नजरों ने नजरों को छू लिया, कहने की कुछ बात नहीं थी। मौन प्रेम की भाषा होती नजरों से तुम सिखा गए। कई बार लगता है कि प्रेम और बारिश का चोली दामन का साथ होता है। तन पर बारिश की फुहारे कई बार मन को भी भिगो जाती है। वो किस तरह, आइए देखते हैं इस कविता में जिसका शीर्षक है पहली बारिश। आज बारिश लगती है नई, नए अर्थ समझाती है। पहली बारिश पर मिट्टी की सौंधी महक जैसे प्रथम प्रेम से परिचय, फिर बरसे तो प्रेम से ही शीतलता। कभी तेज बौछार चुभती तन को मानो प्रेम की हो आक्रामकता, और जब बदली बरस जाए तो व्योम उतना ही स्वच्छ और निर्मल जितना कि प्रेम। स्पर्श बिना मन को भिगोने का एहसास देती है पहली बारिश। प्रेम का प्रथम स्पर्श ऐसा महसूस होता है मानो कुएं से निकला हुआ पहला पानी, जो कि बकुल कहलाता है। जब कुएं की खुदाई होती है तो उसका पहला पानी एक अलग प्रकार की शीतलता और एक सौंधी महक लिए हुए होता है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्पर्श प्रेम का। प्रेम का प्रथम स्पर्श उतना ही पावन और निर्मल जितना कि कुएं का बकुल। तपती धूप में प्रदान करता शीतलता, तपती धूप में प्रदान करता शीतलता सौंधी महक लिए। जब मिलता तो लगे बहुत कम, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ भर जाता है लबालब, परिपूर्ण हो जाता कुआ हमेशा प्यास बुझाने के लिए, कभी न कम होने के लिए। प्रेम का प्रथम स्पर्श मानो कुएं का बकुल, प्रेम का प्रथम स्पर्श मानो कुएं का बकुल। प्रेम का प्रथम आगमन जब होता है तो उसकी दस्तक कई रूपों में सुनाई देती है। कभी आईने में हम अपनी जगह किसी और का अक्स देखते हैं, तो कभी हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। तो आइए अगली कविता में देखते हैं प्रेम की दस्तक के बारे में। कविता का शीर्षक है दस्तक। बार बार देखना दर्पण शायद संकेत हो यौवन के आगमन का। वही करती हूँ जब लगता है बचपन फिसल रहा है हाथ से रेत की मानी। पर जब दर्पण में स्वयं की जगह पाती हूँ अक्स किसी और का। दर्पण में स्वयं की जगह पाती हूँ अक्स किसी और का। समझ गई मैं दस्तक है ये प्रेम के प्रथम आगमन की। जिससे प्रेम हो हमें लगता है कि हम सिर्फ उसी को देखते रहें। वो दाएं बाएं जिधर जाए लगता है प्रेम भी उसी तरफ घूम जाता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सूरजमुखी। नन्हा सूरजमुखी क्यों लगता है मुझे तुम्हारी तरह। नन्हा सूरजमुखी क्यों लगता है मुझे तुम्हारी तरह, खिला खिला जो रवि के ताप से उद्वेलित नहीं होता। जो रवि के ताप से उद्वेलित नहीं होता, प्यार करता है उसे तभी तो घूम जाता है उधर ही। तभी तो घूम जाता है उधर ही जिधर जाता है भास्कर। भला लगता है तुम्हारा मुड़ जाना वहाँ, जाती हूँ मैं जहाँ जहाँ। नन्हा सूरजमुखी मुझे लगता है तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कहते हैं कि प्रेम में चुंबकीय आकर्षण होता है। मेरी अगली कविता कुछ इसी तरह से अपने भाव प्रदर्शित कर रही है। कविता का शीर्षक है मैग्नेट। वो कहता था मुझे हमेशा तुम मैग्नेट हो। वो कहता था मुझे हमेशा तुम मैग्नेट हो। हाँ वही चुंबकीय आकर्षण है तुम में। पर नहीं जानता था वो मैं मैग्नेट नहीं लौह थी। वो नहीं जानता था मैं मैग्नेट नहीं लौह थी,
जिसे छू लिया था जीते जागते पारस ने, जी जिसे छू लिया था जीते जागते पारस ने। प्रेम आखिर है क्या? ऐसे कई सवाल सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, ये प्रेम है या ये प्रेम है? प्रेम स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो संवेदनाएं हैं वही प्रेम है। प्रेम वन वे ट्रैफिक भी नहीं, प्रेम दोनों ओर से चलने वाली धारा प्रेम है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सिर्फ ताजमहल नहीं है प्रेम। प्रेम में ना कहने की सजा के तौर पर मिले, तेजाब के झुलसने से निकले क्रंदन में नहीं है प्रेम। प्रेम में ना कहने की सजा के तौर पर मिले, तेजाब के झुलसने से निकले क्रंदन में नहीं है प्रेम। और ना ही 17 वर्षों के दाम्पत्य में 14 बार गर्भ का दर्द झेल दुनिया से रुखसत हुई मुमताज की निशानी बन गया ताजमहल प्रेम। प्रेम है सम्मान, समर्पण, सहयोग और विश्वास की वह नींव। प्रेम है सम्मान, समर्पण, सहयोग और विश्वास की वह नींव जो बना देती है मकान को घर, जो बना देती है एक मकान को घर। प्रेम क्या है ये मैंने किया तो जाना। प्रेम क्या है ये मैंने महसूस किया तो जाना। प्रेम क्या है ये मैंने जिया तो जाना। मेरी अगली कविता मेरे पति को समर्पित है, जिनसे मैंने प्रेम किया और आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। कविता का शीर्षक है हाँ देखा है मैंने भी। अल्लाह और ईश्वर के बीच खड़े जीवन को थामने वाले, जीने की सहज डगर दिखाते सत्य, शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही हैं मेरी बेटियों के पिता। हाँ देखा है मैंने भी, पिता की चिंता से सलवटों वाले मस्तक से टपकते पसीने को पोंछते, माँ की फिक्र के दिखते हैं रेखा चित्र उनकी आँखों में बनते बिगड़ते, मौन आस्था के भव्य वितान पर एक पिता के विराट व्यक्तित्व के कुछ बिंब, परिवार की विरासत जड़ों संस्कारों को अपनी बेटियों में पल्लवित करते सींचते, हाँ देखा है मैंने भी। आस्था विश्वास के सूर्य को अर्घ्य देते, बिखरते मूल्यों को सहेजते, स्नेहिल उष्मा का कवच बनते, पीठ पर कसे हाथों से सहारा देते थामते, हाँ देखा है मैंने उन्हें। कभी मुझसे भी कमज़ोर तो कभी बेहद ताकतवर, मेरे कंधों से निराशा हटाते ससम्मान, अपनी पल्लवित शाखों को मजबूत बाहों का सहारा देते संभालते, हाँ देखा है मैंने उन्हें। नारियल का खोल ओढ़े चट्टान से निश्चल खड़े, जिनके अंदर भी सरिता सी कलकल संवेदना की शीतल लहर बहते, जनक और जननी की सांसों में परिवार की आस के कण कण में समाए, जीने की सहज डगर दिखाते सत्य, शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही हैं मेरी बेटियों के पिता। कहते हैं कि प्यार में सब कुछ खूबसूरत ही खूबसूरत दिखता है, ये सच है। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो वो और उसकी हर बात, उसका हर क्रियाकलाप, उसकी हर भाषा, उसकी हर बोली आपको सबसे खूबसूरत नज़र आती है। कुछ ऐसी ही संवेदनाएँ, कुछ ऐसी अनुभूतियाँ मेरी इस कविता में है, जिसका शीर्षक है सबसे खूबसूरत हो तुम। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत हैं तुम्हारे कदम जो रहते हर पथ पर साथ मेरे, हाँ साथ ना कि आगे। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत है तुम्हारी बाहें नैराश्य के पलों में जो देती संबल, थाम के अस्तित्व को ही बाहुबली सी लागे, हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत है तुम्हारी उंगलियाँ जो कठपुतली नहीं चलाती, गूंथ कर रखती है सबको, बांधती है रिश्तों के सारे धागे, हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत है तुम्हारी आँखें, खूबसूरत है तुम्हारी आँखें जो दिखाती प्यार की परिभाषा, सांत्वना के शब्द, स्नेह भरा दुलार,
जिनकी चमक के आगे सारा ही दम भागे। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत है तुम्हारा मौन, खूबसूरत है तुम्हारा मौन, जो खामोश रहकर भी कह जाता है बातें अनगिनत मेरी वाचालता के आगे। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। खूबसूरत है तुम्हारा मन, जो छलकता है परिजनों की फिक्र व प्यार से, जो भरा है स्त्री जाति के लिए मान और सम्मान से, जिसमें औरों की पीड़ा से दर्द स्वतः ही जागे। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम। 25 बरस पीछे छूटे हम निकल आए आगे। हाँ प्यार करती हूँ तुम्हें, सबसे खूबसूरत हो तुम।